हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम इन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड की तैयारी कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 में पेपर देने वाले हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हिंदी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आज का ये वीडियो है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि 2025 बोर्ड की जो तैयारी है हिंदी की कैसे करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी आपकी हिंदी की हो जाएगी, बस इतना पढ़ लेना है आपको, बस इतना पढ़ लो जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 100 में से आपका 95 प्लस नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और बस इतना ही आपको पढ़ लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ आपका 100 में से 95 प्लस आकर ही रहेगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के जो आपके काफ़ी काम आएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ये इन सारे टॉपिक को नहीं पढ़कर जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको क्या है, नंबर कम मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें को हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड की तैयारी के लिए अब बहुत ही कम टाइम बचा है हिंदी की तैयारी के लिए, तो इसीलिए आपको इन स्ट्रैटेजी से क्या है, हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसी में हम बताएंगे। देखिए आपका जो हिंदी है ये दो भागों में बांटा गया है, एक खंड का हो गया जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक दूसरा होता है खंड खा, जो कि 50-50 नंबर का दोनों पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम खंड का के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, यानी हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे और आप पढ़कर इतना अच्छा मार्क्स ला सकें, यानी कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे फर्स्ट में आते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी के जो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबसे फर्स्ट में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो एग्जामिनर है बोर्ड एग्जाम में जो कॉपियाँ चेक करता है उसको माइंड में रहता है कि बच्चे ने अभी तक क्या पढ़ा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने कितना तैयार किया है, बहुविकल्पीय प्रश्न कितना तैयार किया है। तो आपको डेली क्या है 10 से 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार करना है, और मैं भी तैयार कराता हूं, आप भी अपने बुक और क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है, और इसलिए मैं बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो शुरुआत में ही देखता है, और एग्जामिनर को क्या है गलत इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कॉपी पर, कॉपी पर उसको पॉजिटिव साइड दिखनी चाहिए कि बच्चे ने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, नहीं तो आप काफ़ी विद्यार्थी जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो वहीं पर वो क्या है गलत चीज़ कर देते हैं, और छोड़ने से क्या होता है एग्जामिनर के माइंड में एक निगेटिव थाट जाता है कि बच्चे ने कॉपी में कुछ नहीं लिखा है। अब आगे आपने चाहे जितने भी अच्छे से लिखा होगा लेकिन शुरुआत में ही आपने गड़बड़ कर दिया है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए कौन कौन से गद्यांश आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 10 नंबर का होता है, आपको पता होगा 12th के आप विद्यार्थी हैं, अब कौन कौन से गद्यांश पढ़ना है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे पहला है चैप्टर का नाम है अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, इसके सारे गद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना, यानी तैयार कर लीजिए। अब देखिए गद्यांश में क्या है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं गद्यांश को कैसे हल करूं, तो गद्यांश में होता कुछ नहीं है, एक गद्यांश आपका दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपके कितने 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनमें जो 2 प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है, यानी वो चाहे गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको पाठ का नाम पहचानना आना चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी आनी चाहिए, 4 नंबर तो यहीं फिक्स हो गया, बाकी का जो बचा आपका 3 क्वेश्चन वो उसी गद्यांश से लिए होते हैं, यानी जो गद्यांश दिया है ना आपका जिस चैप्टर से उसी गद्यांश में उसका आंसर मिल जाएगा, टोटल आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो अशोक का फूल सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरा है प्रकृति का मानदंड, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण गद्यांश है, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये तीन गद्यांश आप तैयार कर लीजिए, तीनों चैप्टर के गद्यांश को तैयार कर लीजिए। इनमें से आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है, ये गारंटी स्टूडेंट, तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अब हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश सेम गद्यांश की तरह होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि उसमें लेखक होते हैं, यहाँ पर आपके कवि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके कवि आ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से चैप्टर के आपके पद्यांश पढ़ना है, सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर भी आपका 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न कंपलसरी हैं, पाठ और लेखक का नाम, पाठ और कवि का नाम और रेखांकित तंज की व्याख्या। अब देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यमुना छवि प्रेम माधुरी, जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका पद का, भारतेंदु हरिश्चंद जी का। तो ये दोनों चैप्टर के आपके पद्यांश को तैयार कर लेना है। दूसरा है पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पद्यांश है। इसके भी चैप्टर के सारे पद्यांश को आप लोग तैयार कर लीजिए। तीसरा है गीत, महादेवी वर्मा जी का गीत या जयशंकर प्रसाद जी का गीत आपको तैयार कर लेना है। गीत 1, गीत 2, गीत 3, ये महादेवी वर्मा जी का है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके गीत के तैयार कर लेना है, पद्यांश आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चौथा है आपका केकई का अनुपात, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है केकई का अनुपात, बोर्ड एग्जाम में इनका भी आता है। इनके चैप्टर से भी पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके चैप्टर के भी सारे पद्यांश को आपको तैयार कर लेना है। तो टोटल 4 चैप्टर हैं जो कि पद्यांश से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, सेम प्रोसेस वही है। आगे मैं वीडियोज भी लेकर आने वाला हूँ इस पर, लेकिन कितना कितना आपको पढ़ना है हिंदी में, क्या कैसे तैयारी करनी है, ये रणनीति है। समझ में आ गया स्टूडेंट? इतना आपको पढ़ लेना है, इतने से आपको तैयार करना है। आगे मैं और भी टॉपिक्स लेकर आऊँगा। उसके बाद में देखिए, लेखक का जीवन परिचय, देखिए ये पार्ट है सारे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अब देखिए, चौथा जो टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, किसका जीवन परिचय? लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक के जीवन परिचय में यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट जो जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, इनका भी जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है। लेखक की जीवन परिचय की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थी। तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका भी जीवन, यानी ये तीन जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो तीनों में से एक ना एक आपका फंसेगा और बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर जीवन परिचय में दिलाकर जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इन तीनों जीवन परिचय को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, और काफ़ी कम टाइम बचा है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्यारे विद्यार्थी अपना मनचाहा नंबर ला सकते हैं, मनचाहा स्कोर कर सकते हैं। 100 में से 100 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉपर बच्चे लाते हैं और आप भी उनमें से एक हैं, तो क्या है, आपको तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है। 5वां है कवि का जीवन परिचय, देखिए हमने लेखक का बता दिया, सेम कवि का भी जीवन परिचय है। कौन कौन से कवि आपके इम्पॉर्टेंट हैं? महादेवी वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद जी, मैथिली शरण गुप्त, ये तीन कवि आपके जीवन परिचय में, यानी कवि का जो जीवन परिचय है इम्पॉर्टेंट है, और आपके इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी संभावना है इनके आने की, यानी महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो इन तीनों जीवन परिचय को आप लोग तैयार कर लीजिए, इनके साहित्यिक परिचय, इनका जीवन परिचय, समझ में आ गया, रचनाएं। बोर्ड एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय ज़्यादातर पूछा जाता है, कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में, हमने वीडियो बना रखा है, तो चैनल पर आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। और ये जो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हिंदी के बता रहे हैं, सारे टॉपिक को आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठकर सारे को लिख लीजिए आराम से, डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और आप क्या है एक सीरियल वाइज पढ़ते जाएँ, ताकि आपका एक वो क्या है मोटिव क्लियर रहे हिंदी के, कि हिंदी का हम इतने क्या तैयार कर चुके हैं, इतने पार्ट के, इतने टॉपिक के क्वेश्चंस को तैयार कर चुके हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए, अब आ चुका है कहानी। देखिए कहानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पर बहादुर, कर्मनाशा की हार, पंचलाइट, ये तीन आपका चलता है, और ये ऐसी कहानी है जो कि हर साल पूछा जाता है। क्या है स्टूडेंट? ये हर साल पूछे जाने वाला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ये हर साल आता है, आप तैयार करके जाते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स होता है। 80 शब्दों में इसका आपको कहानी लिखना होता है, चाहे आप बहादुर कहानी का दे दीजिए, बहादुर या कर्मनाशा की हार या पंचलाइट जो कि गोधन नेता है ना। तो ये कहानी के बारे में हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर, आप लोग सर्च कर लीजिए 22 शिवम स्टडी नॉलेज आप लिख देंगे पीछे, यानी आप सर्च कर लीजिए बहादुर कहानी का सारांश या बहादुर कहानी, तो आप बाई लगाकर शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर बड़े ही प्यार से देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि कैसे आपको कहानी को सुनना है, बस आप सुनकर याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिए, 5 नंबर आपका फिक्स है, कोई नहीं काट सकता 5 नंबर, और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहादुर कर्मनाशा की हार और पंचलाइट, ये कहानी इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर का आता है, ये तीनों कहानी को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अब लास्ट में बचता है हमारा खंड का का, देखिए खंड का हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है जो कि खंड काव्य है। सबसे पहला है त्यागपति, दूसरा है सत्य का जीत, तीसरा है मुक्ति यज्ञ और चौथा है रश्मरथी। तो देखिए, जो यूपी के विद्यार्थी यानी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, तो उनके डिस्ट्रिक्ट का, उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके ज़िले का अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति लगता है, जो कि हर्षवर्धन जी है ना, हर्षवर्धन जी इन्हीं के ऊपर त्यागपति है, और त्यागपति हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगता है, हमारे यहाँ पर त्यागपति है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अब हमारा आ चुका है खंड खा, यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो खंड का से था, यानी 50 नंबर हमारा क्लियर हो गया। हम इतने सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, उतने सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, तो हमारा जो 50 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हमारा खंड खा आ चुका है, जो कि यहाँ से 50 नंबर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, 8 नंबर जो टॉपिक है वो क्या पूछा गया है, संस्कृत गद्यांश। देखिए, जिस तरह से हिंदी गद्य और पद्य होता है, सेम इसी प्रकार से आपका संस्कृत का गद्यांश होता है। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत का गद्यांश है, 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, 2 नंबर आपका संदर्भ के लिए यानी किस चैप्टर से लिया गया है, 5 नंबर जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो संस्कृत का गद्यांश है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आपका गद्यांश इम्पॉर्टेंट है महामना मालवीय, यानी महामना मालवीय का सबसे फर्स्ट में जो आपका गद्यांश है इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर के सारे गद्यांश को पढ़ लीजिए। दूसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तीसरा है संस्कृत भाषायाम महत्वम, तीसरा जो है आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका गद्यांश है संस्कृत का, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये यानी जो तीनों चैप्टर हैं, इसके तीनों चैप्टर के सारे गद्यांश इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला, अब हमारा अगला आ चुका है संस्कृत का श्लोक, श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, जिस तरह से हिंदी पद्यांश था ना, हिंदी गद्य पद, सेम इसी प्रकार से ये भी है, तो श्लोक इसको कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए। कौन कौन से श्लोक आपके इम्पॉर्टेंट है, एक नया हमारा जुड़ा हुआ है, यानी इस वर्ष जुड़ा था ऋतु वर्णनम, यानी 2024 में ये जुड़ गया था चैप्टर में, ऋतु वर्णनम जो आपका ऋतु वर्णनम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे श्लोक को आप पढ़ लीजिए। सुभाषित रत्नान, इसके तो हर साल आते ही आते हैं, यानी कभी छूटता नहीं है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तीसरा है जातक कथा, तो ये तीनों श्लोकों को यानी तीनों चैप्टर के श्लोक को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो इन्हीं से आएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला, उसके बाद में देखिए अगला हमारा आ चुका है रस छंद अलंकार। देखिए, रस 2 नंबर का आपका होता है, छंद भी आपका 2 नंबर का होता है, अलंकार भी 2 नंबर का होता है, तो ये हर साल आने वाला टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लीजिए। जैसे करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, छंद में आपका चौपाई दोहा छंद, अलंकार रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार यमक श्लेष जितने भी अलंकार हैं। और स्टूडेंट देखिए, इन तीनों टॉपिक का यानी जो तीनों टॉपिक है रस छंद अलंकार, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया है,
जाकर वीडियो चैनल पर सर्च कीजिए, नहीं तो आपको मिल जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए संधि आ चुका है, तीन संधि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एक एक नंबर का तीन होता है, तो तीन नंबर आपको इस संधि में मिल जाता है। दो नंबर का आपका समास होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समास भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है इसको आपको छोड़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आएगा इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? इस पर मैं वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, लेकिन क्या क्या आपको पढ़ना, मैं इस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए और अपना तैयारी को आप लोग बेहतर बनाइए। 15 नंबर है आपका प्रत्यय। प्रत्यय भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रत्यय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 16 नंबर है विभक्ति परिचय, यानी विभक्ति परिचय जिसमें आपको नियम और उसका विभक्ति के बारे में लिखना होता है कि ये नियम है यानी सूत्र और ये विभक्ति है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, चाहे क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए, चाहे आप बुक से तैयार कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, 17 नंबर जो टॉपिक है पत्र लेखन, ये हमारा नया ऐड हुआ है स्टूडेंट, नया ऐड हुआ है 2024 के न्यू सिलेबस में, तो ये पत्र लेखन पहले सामान्य हिंदी में होता था लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में भी जुड़ चुका है, तो इसमें पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है हमने वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा कि पत्र कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए 18 नंबर जो टॉपिक है निबंध, निबंध एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निबंध 9 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से निबंध है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा आपका जनसंख्या की समस्या और समाधान, तीसरा आपका हो गया आपका, तीसरा कौन सा हो गया जो कि शिक्षा के ऊपर है, मेरे प्रिय कवि, चौथा आपका इस पर रख लीजिए जो कि है विज्ञान वरदान है अभिशाप, या पांचवा कंप्यूटर का महत्व। समझ में आ गया? ये 5 आप निबंध तैयार कर लीजिए, और आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये 5-6 निबंध आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में आपके 2025 के पेपर में आएगा, बाहर नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो मैं जितने भी टॉपिक आपको बताया हूँ इन सारे टॉपिक को आपको पढ़कर तैयार कर लेना है, मैं ये भी बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है, 5 महीने का लगभग टाइम है आपके पास, तो इंपॉर्टेंट पढ़िए और क्या एक प्रकार से सही क्रम में पढ़िए, उसका रिवीजन भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हिंदी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ये 3 साल का पेपर, यानी पिछले जो 3 साल बीत चुके हैं उसके हिंदी को पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, अपना क्या है शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसा कि हमने बताया था ना आपका गद्यांश का, जीवन परिचय का, सेम इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर करेंगे। मॉडल पेपर को हल कीजिए स्टूडेंट, मॉडल पेपर जितने भी मैं करा रहा हूँ उसको आप देखिए, उसको हल कीजिए और आप भी अपने मन से सॉल्व कीजिए, ठीक है, अपने आप से भी सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ में, मैं जो वीडियोज लेता हूँ लेकर आता हूँ उसको भी देखिए और अपने मन से भी देखिए, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट। देखिए सेल्फ स्टडी जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको अंदर ज़्यादा यानी आपके अंदर ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हिंदी में आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, यही है हिंदी की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका, जो यदि आप फॉलो करते हैं, क्लास 12 हिंदी के जो विद्यार्थी हैं फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, ये गारंटी है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जय हिंद।